Assalamualaikum, hello everyone. Today I will share with you some important information about the word banana ya banana. लफ्ज बनाना या बनाना जो है इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल जो हैं उनके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा. और ये लफ्ज़ हम अक्सर उर्दू में यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो जब हम इसको बनाते हैं इंग्लिश में या इसके मुख्तलिफ अल्फाज जो फ़िक्र उर्दू में हम बनाते हैं, तो उसमें मसलन थोड़ी तनख्वाह में बनता क्या है, आपने क्या मनसूबा बनाया है, ये कितनी रकम बनती है, मैंने उसे खूब बनाया, मुसव्विर ने कायद आज़म की तस्वीर बनाई, बातें ना बनाओ, उन्होंने एक नया मकान बनाया. अब आपने देखा कि ये बनाना या बनाना जो है ये मुख्तलिफ मीनिंग में यूज़ हो रहा है. तो हर जगह पर हम मेक या मेड या फोम ये वाले लफ्ज़ तो इस्तेमाल बनाना के लिए नहीं कर सकते. तो अब इसका हम इस्तेमाल सीखेंगे. मसलन पहला फिक्रा कि थोड़ी तनख्वाह में बनता क्या है. A meager salary cannot suffice. A meager salary cannot suffice. थोड़ी तनख्वाह में बनता क्या है. A meager salary cannot suffice. अच्छा, दूसरा फिक्रा, आपने क्या मनसूबा बनाया है. How have you planned? आपने क्या मनसूबा बनाया है. How have you planned? ये कितनी रकम बनती है. What does it amount to? ये कितनी रकम बनती है. What does it amount to? मैंने उसे खूब बनाया, यानी कि मैंने उसे खूब बेवकूफ़ बनाया. I made a fool of his. उसके बाद मुसव्विर ने कायद आज़म की तस्वीर बनाई. The painter made a portrait of कायद आज़म. बातें ना बनाओ. Do not chatter. अब बातें ना बनाओ की जो इंग्लिश है वो क्या है. Do not chatter. उन्होंने एक मकान बनाया है. They have built a new house. इस साल असम्बली ने कोई नया कानून नहीं बनाया. The Assembly has passed no new law this year. अब आपने यहाँ पर देखा कि कानून बनाना जो है वो पास्ड आर ला है. मेरी और अहमद की आपस में नहीं बनती. अब आपस में नहीं बनती की इंग्लिश क्या होगी कि I and Ahmed do not get on well together. So get on जो है ये आपस में बनना या ना बनना की इंग्लिश देता है, मीनिंग देता है. अब हम इससे जो हमारा नेक्स्ट फिक्र हैं उनकी तरफ चलते हैं. फजूल बहाने मत बनाओ. Don't make lame excuses. फजूल बहाने मत बनाओ. डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज. दूसरा फिक्रा कि उसने सर दर्द का बहाना बनाया. He pretended having a headache. अच्छा, ज़्यादा ना बना करो. इसकी क्या इंग्लिश होगी. Do not be so ostentatious. के ज़्यादा ना बना करो. Do not be so ostentatious. एक कप चाय बनाओ. Make a cup of tea. एक कप चाय बनाओ. उसने उससे चाय बनवाई. He made her make a tea. उसने उससे चाय बनवाई. He made her make a tea.
बनवाना, तो उसमें हम मेक हर लिखकर फिर मेड अ टी लिखेंगे। मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया, मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। आई बी फ्रेंडेड हिम, मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। आई बी फ्रेंडेड हिम। सौदागर ने उसे बेवकूफ़ बनाया, सौदागर बी फूल्ड हर, सौदागर ने उसे बेवकूफ़ बनाया। सियालकोट में आलाते जराही बनते हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट्स आर मेड इन सियालकोट। उसने एक स्वेटर बनाया, ही नीटेड आ स्वेटर। अब स्वेटर बनाना जो है उसको हम बोलते हैं निट, और नीटेड चूँकि सेकंड फॉर्म लगेगी, ही नीटेड आ स्वेटर। मैं दाढ़ी बना रहा हूँ। आई एम शेविंग। अच्छा, नेक्स्ट जो है, मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया। ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस ऑन हियरिंग मी। सो पुल्ड अलोंग फेस का मीनिंग होता है मुंह बनाना। ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस ऑन हियरिंग मी। ये अच्छा, अब नेक्स्ट कुछ फिक्र हम देखते हैं कि मैंने बने बनाए कपड़े खरीदे। आई बॉट रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है ये मैंने बने बनाए कपड़े खरीदे। ये मकान अच्छा बना हुआ है। This house is well constructed. ये मकान अच्छा बना हुआ है। This house is well constructed. आपके नतीजे का क्या बना? What about your result? मसलन आप किसी से पूछ रहे हैं, अपने छोटे भाई से या अपने किसी दोस्त से, कि आपके नतीजे का क्या बना, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे What about your result? सब चीज़ों के 60 रुपए बनते हैं। आखिरी फिक्रा है, सब चीज़ों के 60 रुपए बनते हैं। All the items amount to 60 rupees. तो अब आपने देखा कि जो बनना और बनाना है ये मुख्तलिफ़ मीनिंग में यूज़ हुआ है। हर फिक्रे में जो बनना और बनाना लफ्ज़ उर्दू में वही था, लेकिन उसकी इंग्लिश में जो लफ्ज़ थे, इंग्लिश में उनके जो मीनिंग थे वो चेंज होते रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल आपके लिए होगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल स्टफ़, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद अदर पीपल। थैंक यू वेरी मच।